हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू ना प्राइम। ये है रीइनकार्नेटेड एज अ गेम चेंजर का एक और एपिसोड। ना लेट्स बिगिन। एपिसोड स्टार्टिंग देखते हैं, ये सारे बंदे सोंग को बहुत बुरी तरह से उन मोशन से पिटता हुआ देख रहे हैं। इन्होंने अपने आसपास में एक बैरियर बना रखा है जिससे सोंग इन्हें नहीं देख पा रहा और ना ही कोई और मॉन्स्टर इन्हें देख पा रहा है। लेकिन इतनी बुरी तरह से सोंग को पिटता देखकर इस गिल्ड के लीडर को थोड़ी दया जाती है। ये आगे बढ़कर सोंग की मदद करने की कोशिश करता है। इसी वजह से बाकी गिल्ड मेंबर को भी सोंग की मदद करनी पड़ती है। इसके साथ ही ये सारे गिल्ड मेंबर सामने जाते हैं। ये सब के सब मॉन्स्टर्स के ऊपर तेजी से अटैक करना शुरू करते हैं। गिल्ड लीडर खुद आगे बढ़कर इस मॉन्स्टर एम्प्रेस से फाइट करता है। एम्प्रेस कहता है, तो तुम भी आ गए यहाँ पर मरने के लिए। गिल्ड लीडर कहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ पर तुम लोग मरने वाले हो। ये कहते हुए गिल्ड लीडर अपनी पावर को अनलॉक करता है। उसके साथ करने के साथ ही वहाँ पर बहुत तेज लाइट चमकती है और एक गॉड समान हो जाता है। इस गिल्ड लीडर के पास में जीरुई की तरह ही गॉड की पावर है। जैसे जीरुई के पास में ओडिन की पावर थी, वैसे ही इसके पास में है हरक्यूलिस की पावर। ये देखकर सोंग सोचने लगता है, ये तो कब्जा शानदार है, इसके पास में गॉड की पावर है। जेनिस का मतलब इसके पास में भी जरूर से कोई ना कोई गोल्डन रोल है। इसी टाइम पर वो गिल्ड लीडर बोलता है, चलो अब जल्दी से फाइट शुरू करते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ असली स्ट्रेंथ क्या होती है। ये कहते हुए गिल्ड लीडर अपनी तलवार को पकड़कर जोर से एम्प्रेस की तरफ भागता है और उसके पास पहुंचकर अपनी ब्लेड से उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। ये अटैक बढ़ते ही एम्प्रेस जोर से हवा में चल जाता है। इसके साथ ही गिल्ड लीडर भी जोर से हवा में चलता है और हवा में ही एम्प्रेस के ऊपर एक और जोर से अटैक करता है और पूरी तेजी से उसे जीने पर अटक देता है। और फिर उसे कहने लगता है, मुझे तुम मॉन्स्टर से हमेशा एक चीज की चिढ़ रहती है कि तुम हमेशा अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेते हो, तुम्हें मारना कब ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज है जिसमें ह्यूमंस तुमसे आगे है, हमारी स्ट्रेंथ तुमसे कहीं ज्यादा होती है और हम हर समय कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ती रहती है। इसी टाइम पर दूसरी मॉन्स्टर जिसका नाम हीना है, वो अपने पार्टनर एंड्रॉइड की हालत देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है। इसी टाइम पर ये लड़की हीना को रोक देती है और उसे कहने लगती है, कहाँ जा रही हो, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना। ये कहते हुए लड़की हीना की आंखों के ऊपर एक जोर से अटैक करती है और उसे कुछ सेकंड के अंधा कर देती है। इसके बाद में हीना के ऊपर और भी तेज से अटैक होते हैं। लड़की उसके ऊपर एक ही बार में कई सारे अटैक कर देती है जिसके साथ ही हीना का भी खेल खत्म हो जाता है। ये देखकर सोंग कहने लगता है, ये बंदे तो काफी ताकतवर है, इनके पास में काफी अच्छी स्किल्स है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे अभी तक इनके क्लेम के बारे में क्यों नहीं पता चला। इनकी पावर के हिसाब से तो इनकी गिल्ड की खबरें चारों तरफ फैल जानी चाहिए थी। तभी गिल्ड लीडर सोंग से कहने लगता है, ए बच्चे, क्या तुम फाइट कर सकते हो और क्या तुम वही हो जिसे जीरुई ने भेजा है इस जगह के बारे में सारी जानकारी निकालने के लिए। सोंग कहता है, हाँ मैं वही हूँ, मैं जीरो गिल्ड का एक मेंबर हूँ, मेरा नाम है सोंग एन। अब क्या तुम अपने बारे में कुछ बताओगे। क्लेन लीडर कहता है, मेरा नाम है लुडेंग और मैं डुटेंग गिल्ड का लीडर हूँ। तुमने शायद से मेरा या फिर मेरे क्लेन का नाम आज तक नहीं सुना होगा, क्योंकि हम थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं, हम बिल्कुल भी अपने क्लेन को फेमस बनाने की कोशिश नहीं करते। यही कारण है कि हमारे गिल्ड के अंदर अभी तक केवल 16 लोग ही हैं, लेकिन इन सब की पावर ही बहुत ज्यादा है। सोंग कहता है, मैंने थोड़ा बहुत सुना है, इस जगह पर एक कॉलेज था जिसका नाम था डाटेंग, क्या उससे तुम्हारा कोई रिलेशन है। लुडेंग कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम सब के सब डाटेंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, सब कुछ बदलने के बाद में हम सब के सब एक साथ में ही थे, इसलिए हमने साथ में मिलकर ही एक गिल्ड बनाया। सोंग कहता है, यानी कि तुम सब केवल स्टूडेंट्स हो, तुम सब तो बच्चे हो। लुडेंग कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्टूडेंट समझ के हमें कम मत समझो, हम सब के सब यंग है, हमारे क्लेन के अंदर जितने भी प्लेयर्स है वो सब के सब काफी ज्यादा ताकतवर है, तुम इनमें से किसी की पावर को कम नहीं समझ सकते। हमारे क्लेन का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस वर्ल्ड के अंदर जितना हो सके उतना ज्यादा फेमस हो सके या फिर जमीनों या फिर रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करें, हमारा केवल एक ही मकसद है, हम सब के सब साथ में रहे, जितना लंबा हो सके उतना लंबा जी सके और किसी तरीके से इस गेम कंप्लीट करके सब कुछ वापस से नॉर्मल करें। सोंग कहता है, हम सब भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं, हम सब क्या इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं, सब के सब वापस नॉर्मल करना चाहते हैं। लुडेंग कहता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत हो चुकी है, यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया हमारे गिल्ड के अंदर ज्यादा प्लेयर्स नहीं है तो हमारी पावर काफी ज्यादा कम है, अभी तो हम ये फाइट कर पा रहे हैं लेकिन फाइट अगर ज्यादा लंबी होती है तो हम हारने लगेंगे, क्या तुम्हारे पास में कोई प्लान है। सोंग कहता है, यकीन मानो मेरे पास में एक बहुत ही शानदार प्लान है, यहाँ पे ये जितने मॉन्स्टर्स है ये सारे बिल्कुल बेकार है, अगर हमें मेन मॉन्स्टर यानी इस बॉस को हराना है तो पूरा ध्यान उसी पे लगाना होगा, अगर बॉस मर गया तो इन सभी को मारना भी काफी आसान हो जाएगा। युकितो सोंग अपने पास से उस स्पेशल इक्विपमेंट बाहर निकालता है जो कि उसे स्यूफी ने दिया था। फिर सोंग सभी बंदों को अपना प्लान बता देता है। सभी बंदे काफी तेजी से अपने प्लान को फॉलो करते हुए उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। इसी टाइम पर सोंग आगे बढ़कर अपना पूरा अटैक मेन मॉन्स्टर बुट्रिस के ऊपर करता है, वो उसके पीछे पड़ जाता है। बुट्रिस सोंग को अपनी तरह दिखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है, वो कहने लगती है, ये सब तो कब्जा ताकतवर है, पहले तो केवल एक ही था, उसको हम संभाल पा रहे थे लेकिन अब काफी सारे बंदे आ गए हैं, इसलिए मेरे लिए अच्छा होगा मैं जल्दी से भाग जाऊं। ये सोचकर बुट्रिस से भागने लगती है, तभी सामने की तरफ से लुडेंग आ जाता है और कहने लगता है, कहीं भाग रही हो, भागने टाइम खत्म हो चुका है। ये कहते हुए लुडेंग बुट्रिस के ऊपर एक जोर से मुक्का मार देता है।
इसी टाइम पर ये लड़की भी बुट्रिस के ऊपर अभी तलवार से अटैक करती है। इस लड़की का ये स्वॉर्ड अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसके बढ़ते ही वो बुट्रिस काफी ज्यादा अंधी हो जाती है। उसकी आई साइड बहुत ज्यादा वीक हो गई है। इसके अलावा उसकी बॉडी के ऊपर भी काफी ज्यादा स्क्रैचेस आए हैं। जीजा बनने के बाद में बुट्रिस जल्दी से खुद को हील करने की कोशिश करती है। लुडंग कहता है, सोंग जल्दी करो, ये बहुत ही जल्दी खुद को हील करने वाली है, तुम्हें अभी कुछ करना होगा। ये सुनते सोंग जल्दी से अपने इक्विपमेंट को रेडी करता है, जिसके साथ ही उस जगह पर काफी सारी मेज दिखाई देने लगती है। इसी टाइम पर बुट्रिस अपनी आँख खुलती है, उस ऑफिस से कुछ दिखाई देने लगा है। वो देखती है उसके आसपास का एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन बाहर निकल नहीं पाती। सोंग कहता है, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती हो, ये मेरी जगह है, अब तुम मरने वाली हो। इसी तरीके से ये बाजी सोंग के हाथ में आती है और सोंग के हाथ में से तुरंत छिन जाती है। एकदम एंड टाइम पर एक शैडो पैंथर सोंग के ऊपर अटैक कर देता है और सोंग के हाथ में से उस इक्विपमेंट को छुड़ा देता है। इस शैडो पैंथर को देखकर सोंग कहने लगता है, ये शैडो पैंथर यहाँ पर कैसे आए, मैं नहीं जानता हूँ, ये तो सैक्यू के हैं। इसी टाइम पर एक दूसरा पैंथर लुडंग के ऊपर अटैक कर देता है। लुडंग जल्दी से छुड़कर अटैक डॉच करने लगता है और फिर कहता है, ये पैंथर यहाँ पर कैसे आए, ये किसके हैं, किसने अजीब सा अटैक किया है, सोंग जल्दी से देखो ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसी टाइम पर तीसरी जगह इस लड़की के ऊपर भी मोरलॉक अटैक कर देती है। इस फाइट की बाजी वापस से पूरी तरह से मोशन के हाथ में आ चुकी है। मोरलॉक का अटैक इस लड़की के ऊपर बहुत तेज पड़ता है। लड़की बहुत जोर से चिल्लाती है। ये देख लुडंग कहने लगता है, शीएन क्या तुम ठीक हो। इसी टाइम पर मोरलॉक शीएन को उसी गर्दन से पकड़ लेती है, उसे हवा में लटका देती है और कहने लगती है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मेरा नाम है मोरलॉक और मैं 8th डेमन में से एक हूँ। ये सुनकर ही तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा तो लग ही चुका होगा। इसे देखकर सोंग सोचने लगता है, एक और ताकतवर डीमन इस जगह पर आ चुकी है, अब फाइट और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसी समय हम चौथी जगह पर देखते हैं जहाँ पर मोस्टर्स की फाइट इन बाकी के गिल्ड मेंबर्स चल रही है और गिल्ड मेंबर बहुत बुरी तरह से इस फाइट की तरह हार रहे हैं। मोस्टर्स काफी तेजी से इन बंदों पर अटैक करते जा रहे हैं क्योंकि नंबर से बहुत ज्यादा है। ये 14 बंदे इतने सारे मोस्टर्स संभाल नहीं पा रहे। तभी लुडंग अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता। वो जब शिनान की इस हालत को देखता है, वो अपनी सारी स्ट्रेंथ एक्टिवेट करके मोरलॉक पे अटैक करने लगे बढ़ता है। उसके पास में जाकर एक जोर से मुक्का मारता है। मोरलॉक अपने वेपन से इस अटैक को ब्लॉक करती है। इस अटैक के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, सारी जमीन कांपने लगती है, लेकिन इससे मोरलॉक को कुछ भी नहीं होता। वो कहती है, तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा शानदार है, एक बार मैं इस लड़की की पावर को अब्सॉर्ब कर लूं, उसके बाद में तुम भी मेरे खाने के मेनू के अंदर ऐड हो जाओगे। ये कहते हुए मोरलॉक शीएन के गले को उड़ती दबाने लगती है। लुडंग कहता है, प्लीज उसे जाने दो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ। मोरलॉक सीधे कुछ जवाब नहीं देती। वो बुटाइस की दिखने लगती है और फिर कहती है, बुटाइस यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम इंसानों से हार रही हो, ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है, वो तो सही टाइम पर मैं यहाँ पर आ गई, वरना तुम तो इनके हाथों मारी जाती और मोस्टर्स के नाम को पूरी तरह से डुबो देती। बुटाइस कहती है, तुम अपने काम से काम रखो, अगर तुम मदद करने नहीं भी आती तो भी मैंने यहाँ पर सब कुछ संभाल लिया था। कुछ देर के लिए ये मुझ पर हावी हो गए थे लेकिन मैं सब कुछ संभाल लेती, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मोरलॉक कहती है, और मैं तुम्हें बचाने के लिए आई भी नहीं हूँ, मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर भेजा है, इन लोगों ने उनके आराम को काफी बुरी तरह से खराब कर दिया है, इनका शोर वहाँ तक पहुँच गया है, इसलिए मैंने सजा देने आई हूँ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। सजा के रूप में इन सभी को एक चीज मिलेगी, मौत। ये कहते मोरलॉक शीएन के गले को और भी तेज दबाने लगती है। शीएन एकदम मरने वाली होती है। लुडंग आखिरी बार चिल्ला कहता है, प्लीज ऐसा मत करो। इसी टाइम पर एक मिरेकल होता है। सोंग शीएन को लेकर वहां चला जाता है। उसने यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन स्किल यूज की है एक बग के साथ में। ये देखकर मोरलॉक भी काफी चौंक जाती है। वो देखने लगती है उसके हाथ में से शीएन एकदम से गायब हो गई है। सोंग कहने लगता है, मुझे पता था इस तरह सिचुएशन पैदा हो सकती है, इसलिए मैंने एक बग बचा के रखा था, इस बग का नाम है गेम नॉट ओवर। मोरलॉक कहने लगती है, ये भी हुआ क्या, मैंने उस लड़की गर्दन को एकदम तोड़ ही दिया था, बिल्कुल एंड टाइम पर वो भाग कहाँ गई। इसी टाइम पर लुडंग भाग के सोंग के पास में आता है। सोंग के हाथ में शीएन है। वो उसके पास में ही कहने लगता है, क्या शीएन ठीक है, वो सांस ले पा रही है। सोंग कहता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, बॉडी के ऊपर अभी थोड़ा डैमेज हुआ है, एचपी भी बहुत बुरी तरह से कम हो गई है, लेकिन ये काफी जल्दी रिकवर भी हो जाएगी। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये हुई है, अगले 10 मिनट तक इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। लुडंग कहता है, ये तुमने कैसे किया, यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम किस इक्विपमेंट का यूज कर रहे हो। सोंग कहता है, ये मेरा सबसे ताकतवर इक्विपमेंट है, इसका नाम है बग। इस गेम के अंदर एक स्पेशल सेटिंग है, जब एक प्लेयर एक ही बारी में अपने ताकतवर तीन प्लेयर से सामना करता है या फिर उसके सामने तीन ऐसे ताकतवर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिन सभी का लेवल उस एक प्लेयर से ज्यादा है, और तीनों मॉन्स्टर साथ मिलकर उस एक प्लेयर को मार देते हैं। लेकिन इस फाइट के अंदर ये एक प्लेयर उन तीनों के ऊपर बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं डाल पाता, तो इसे पूरी तरह से एक वन साइड फाइट किया जाता है। तीन प्लेयर से मिलकर एक प्लेयर को मारा है, इसलिए इस गेम के अंदर इस फाइट को ब्रूटल फाइट कहते हैं। ऐसी सिचुएशन आने पर उस प्लेयर जो कि अभी भी मरा है उसको एक दूसरा मौका दिया जाता है, उसकी बॉडी की एचपी रिकवर होने लगती है। अगले 10 मिनट तक वो पूरी तरह से इनविटेबल हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो इस हालत में नहीं होता कि खुद आगे बढ़कर उन तीनों पर अटैक कर सके, इसलिए गेम खुद ही उन तीनों ब्रूटल प्लेयर्स को अपनी तरफ से कुछ सजा देता है।
सोंग के तंग करने के साथ ही मुरलोक के ऊपर एक छोटा सा इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी एचपी थोड़ी कम हो जाती है। सोंग आगे कहता है, इस बग को मैं अपने खुद के लिए एक्टिवेट कर रहा था। जब ये मॉन्स्टर्स मुझ पर अटैक कर रहे थे तब मैं काउंट कर रहा था कि 3 मॉन्स्टर्स मुझ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करे और मैं उनके ऊपर कोई अटैक ना कर पाऊं। लेकिन ये नंबर पूरा होने से पहले तुम लोग बीच में आ गए और तुमने उन मॉन्स्टर्स साथ में फाइट शुरू कर दी। इसी वजह से मुझे इस बग को इस अलग तरीके से यूज करना पड़ा। ये सब कुछ सुनने के बाद में मुरलोक सोचने लगती है, मुझे अब समझ में आ रहा है इंसानों के अंदर कुछ तो बात है। इनके तो ताकत ज्यादा नहीं है लेकिन दिमाग से थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। यहाँ पर इनके पास में कौन सी ट्रिक्स है जिनका यूज ये हमारे खिलाफ करते हैं लेकिन फिर भी हम इन्हें हरा सकते हैं। कुछ पॉइंट ज्यादा होने से ये हमसे आगे नहीं निकल सकते। भुटाइज, तुम इस बारे में क्या कहती हो? तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये हालत तुम्हारी इन ह्यूमंस ने की है। इन ह्यूमंस के अंदर जरूर से कुछ तो बात है। इसका मतलब ये बात तो पक्का है, तुम अकेली इन ह्यूमंस को नहीं मार सकती। और अगर इस बारे में मास्टर को पता चल गया कि तुम्हारे हाथों से ये ह्यूमंस बच गए हैं तो वो तुम्हें एक बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे। इसमें मेरा तो फायदा है लेकिन मिशन को थोड़ा नुकसान होगा। तो कैसा रहेगा हम साथ मिलकर इन सारे ह्यूमंस पर अटैक करें और इनमें से किसी को भी यहाँ से जाने ना दें। मुरलोक का ये आइडिया भुटाइज को काफी ठीक लगता है। वो जल्दी से कब से लेजर बुल्स बना लेती है और कहने लगती है, चलो शुरू करते हैं। जिदे को लुडंग काफी डर जाता है। वो कहने लगता है, ये तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। शेन अभी भी बहुत बुरी तरह से घायल है, वो कोई बैरियर नहीं बना सकती। इसके अलावा मेरी गॉड पावर भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो केवल लिमिटेड टाइम के लिए थी। और मेरे गिल्ड के सारे मेंबर्स बाकी के मोस्टर से फाइट कर रहे हैं, वो भी ज्यादा लंबे टाइम तक वहाँ पे फाइट नहीं कर पाएंगे। सोंग तुम्हें कुछ बताओ, हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों डीमन गॉड से हम एक साथ कैसे फाइट करेंगे? सोंग कहता है, तो फिर हम फाइट नहीं करेंगे, हम यहाँ से भाग लेते हैं। वैसे भी मैं यहाँ पर इन मोस्टर्स को मारने के लिए नहीं, केवल कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आया था और वो थोड़ी बहुत तो मुझे मिली चुकी है। यहाँ पर मेरा जिंदा बचना ज्यादा जरूरी है। लुडंग कहता है, तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, क्या तुम्हें लगता है ये दोनों डीमन गॉड्स हमें ऐसे ही यहाँ से जाने देंगे? सोंग कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास में इसके लिए भी काफी सारी ट्रिक्स है। सोंग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।